अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप लोग? ठीक है? आज काफ़ी दिन के बाद इतना खूबसूरत चांद आसमान पे देखा, और बाहर निकल के बच्चे जा रहे थे कुछ खाने, तो मुझे भी ज़बरदस्ती साथ लेके जा रहे हैं। हालांकि अंदर घर में काफ़ी गर्मी है, लेकिन बाहर काफ़ी अच्छा मौसम है। बहुत खूबसूरत बाहर का मौसम लग रहा है, अंदर लेकिन काफ़ी हब्स वाला मौसम है। अच्छा जी, और ठीक ठाक हैं आप? सब खैरियत है? अच्छा, बाकी जहाँ पहुँचते हैं वहाँ आपको थोड़ी सी वीडियो वहाँ की दिखाएंगे। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह, ये जी आखिरकार हम पहुँच गए भैया कबाब पे। ये मुझे इसके कबाब अब इतने पसंद नहीं है, पहले बहुत अच्छे होते थे, अब चिकन कबाब कुछ थोड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों का रश वैसा का वैसा ही है। सब लोग इधर खाने आते हैं, वीकेंड हो लोहर, ये इसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मुझे अब इसके कबाब इतने पसंद नहीं है। माशाल्लाह, चांद तो ऐसे है कि जैसे कोई ख्वाबों का चांद हो, जबरदस्त भाई। क्या आ गया भैया कबाब? इस्माइल, इस्माइल कितना है भैया कबाब? कशो भैया कबाब? अच्छा, माशाल्लाह जी, खाना फौरन आ गया है। मैंने तो चिकन कबाब मंगाए हैं, और बच्चों को बीफ कबाब पसंद है, मुझे अब इनके बीफ कबाब पसंद नहीं है, रश काफ़ी है। अच्छा जी, आप ज़रा मेरा एक्सेंट चेंज देख सुनते होंगे, बेसिकली हम सराइकी हैं, तो आप कुछ ज़्यादा ही आके थोड़ा सा सराइकी एक्सेंट आ गया। पहले ज़रा स्कूल कॉलेजेस में जाते थे तो काफ़ी एक्सेंट चेंज होता था, कोई पहचानता नहीं था कि हम सराइकी स्पीकिंग हैं। अब बस घर में ही होते हैं, बच्चों के साथ बोलते हैं, अपने पोते से मैं सराइकी बोलती हूँ माशाल्लाह, तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी ज़बान। हर किसी को आनी चाहिए, अपने बच्चों को अपनी ज़बान ज़रूर सिखानी चाहिए। मैंने अपने बच्चों को भी सराइकी सिखाई हुई है, उर्दू भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। चलो जी, अल्लाह का शुक्र है, बच्चों के साथ आओ। और अभी इतना दिल नहीं मेरा करता बाहर निकलने को। ये देखें जी, व्यू अच्छा है, लोग काफ़ी आए हुए हैं। चलें जी, खाना हमारा अख्ताम को पहुंचा, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, अब हम चलते हैं। रास्ते में कोई आइसक्रीम वगैरह बच्चों को खिलाते हैं, एंजॉय करें बच्चे सारे। ये अभी 12 बजे वाले हैं, 2 बजे तक ये लोग होते हैं, यहाँ बहुत रश होता है। हमारे भूटान में भी दरबारी के कबाब और दारुल कबाब को भी बहुत पसंद किए जाते थे, लेकिन आजकल उनका भी म्यार बहुत डाउन हो गया है। सबको अपना म्यार बेहतर करना चाहिए, पैसे उतने ले लेते हैं लेकिन म्यार बहुत डाउन हो चुका है सबका, शायद चीज़ों में लज़त ही नहीं रही और बरकत नहीं रही पैसों में। इसलिए बार बार मेरे बच्चे कहते हैं आपको तो कोई चीज़ पसंद भी नहीं आती जितनी भी अच्छी हो, वजह शायद यही है। लेकिन लोग पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन चीज़ों का म्यार ख़राब करते जा रहे हैं, ये बात भी सच है। चले जी, अच्छा अभी बाद में बात करते हैं।